हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक की ओमाइट सार पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और वीडियो को कर दीजिए जल्दी जल्दी शेयर ताकि क्लास स्टार्ट हो चुके। प्रोग्रामिंग इन सी की क्लास है। प्रोग्रामिंग इन सी की क्लास में लास्ट टॉपिक तक अपन फॉर लूप तक पढ़ चुके थे। लूपिंग स्टेटमेंट चल रहे हैं जिनमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप में मैंने आपको बताया था दो प्रकार के लूप आते हैं, फॉर लूप आता है, व्हाइल लूप आता है। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप में मैंने आपको बताया था कि डू व्हाइल लूप आता है। एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्या सिंटैक्स होता है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाइल लूप कैसे यूज किया जाता है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, कैसा फ्लो चार्ट बनता है, कैसे वर्क करता है, क्या वर्किंग प्रोसेस है, फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को कर दीजिए शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर आने चाहिए। भाई साहब, दो चार लोगों के लिए यहाँ पे बैठे नहीं है, ठीक है, कि आप लोग आते जाओ और दो चार लोग जोड़ते जाओ, ऐसी बात करने वाली नहीं है। ठोक के शेयर मारिए, एकदम लाइक मारते रहिए जब तक कि आपकी क्लास में कम से कम 5-6 हजार स्टूडेंट ना जुड़ जाए, मैं बता रहा हूं भाई साहब। ठीक है, क्योंकि हम आपको आगे तब तक नहीं पढ़ाएंगे। देखो, हमें बिल्कुल मजा नहीं आता है ऐसे पढ़ाने में। देखो, आपको अगर हम क्लास लगातार दे रहे हैं, हर एक क्लास आपको मिल रही है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, तो आपकी भी ए क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी हमारा साथ दें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे, हमें भी आपका साथ देने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमें आपको नया नया कंटेंट देने में मजा आए, आपको पढ़ाने में मजा आए, तो उसके लिए जरूरी है कि यहां लाइव क्लास में मुझे 2000 तो कम से कम दिखी जाएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वीडियो को फटाफट कर दो लाइक। ठीक है, दागे लाइक मारो एकदम, बता रहे हैं हम, नहीं तो फिर हाँ। ठीक है, लाइक ठोक दो एकदम से, लाइक मारते रहो मारते रहो मारते रहो लाइक, जब तक कि आपका हाथ दर्द ना होने लगे। ठीक है, तब तक लाइक करते रहो वीडियो को, लाइक करो वीडियो को, शेयर को फैला दो जहां जहां फैला सको। देखते हैं कि आप लोग की पहुंच कहां कहां तक है। अरे दिखा दो दुनिया वालों को कि एएस टेक्निक परिवार से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं उनकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। फैला दो वीडियो को एकदम। तो क्लास में अपन पढ़ क्या रहे थे, आप सभी को पता है कि क्लास में मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमें पढ़ना है आज प्रोग्रामिंग इन सी में व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप क्या होता है आइए देखते हैं। क्लास किसकी है? प्रोग्रामिंग इन सी इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी फिफ्थ सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग इन सी सिलेबस में है। और प्रोग्रामिंग इन सी का सिलेबस में मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, जिसमें से लूपिंग स्टेटमेंट चल रहे हैं, और लूपिंग में मैं आपको फॉर लूप पढ़ा चुका हूं, और दूसरा लूप आपका है भैया व्हाइल लूप। कौन सा लूप? व्हाइल लूप। ठीक है, तो जिसने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके पहले तो पिछली क्लास देख ले, क्योंकि लूपिंग स्टेटमेंट आपको अगर समझना है, लूपिंग स्टेटमेंट अगर आपको समझना है, व्हाइल लूप आपको समझना है, तो उससे पहले आपको लूपिंग स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। और लूपिंग स्टेटमेंट हमने आपको पिछली क्लास में बताए हुए हैं। तो जो भी वीडियो में नए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, टन से दबा दो। टन से दबाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, है ना, ऐसे एक घंटी रहती टन, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ठीक है, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें, आप हमारा परिवार हैं, आप हमारे छोटे छोटे भाई बहने हैं, आप सभी हमारे भाई बहन हैं। तो आप सभी को पास कराना, अच्छे नंबरों से पास कराना, जिससे फाइनल ईयर में आपकी बैक ना लगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाएंगे, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाइल लूप की, क्या होता है, कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। तो व्हाइल लूप जो है वो कब तक एग्जीक्यूट होता है? व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि हमारी कंडीशन नहीं हो जाती है फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, व्हाइल लूप जो है वो प्रोग्राम से उठा के आपको बाहर कर देगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि व्हाइल लूप आपका है क्या, इसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो बड़ा ही सुंदर सा छोटा सा सिंटैक्स है। हम करते क्या है, हम लिखते हैं व्हाइल, और व्हाइल में लगाते हैं अपन क्या, कंडीशन। ठीक है, क्या करते हैं, लिखते हैं व्हाइल, और व्हाइल लूप में लगाते हैं अपनी क्या, कंडीशन। ठीक है, तो
हाँ, वाइल लूप, वाइल लूप में लगाते हैं कंडीशन, कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे अपन लिखते हैं अपने जो भी स्टेटमेंट आपको लिखने हैं वो स्टेटमेंट, और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं अपडेशन, ठीक है, और अपडेशन करने के बाद हम इस प्रोग्राम को यहाँ कर देते हैं बंद। तो ये रहा आपका सिंटेक्स, ठीक है। तो व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप? इट इज वाइल, कंडीशन, आगे बढ़े, स्टेटमेंट, अपडेशन, क्लोज। ये कब तक चलता रहेगा? होता क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। मतलब क्या है इसका? वैल्यू इनिशियलाइज करने का मतलब है यहाँ पे अपन अपनी वैल्यू प्रोग्राम शुरुआत करते हैं, वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं। जो भी आप यहाँ वैल्यू देंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट पे जाता है, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो ये यहीं से कंपाइलर प्रोग्राम में एंटर ही नहीं करता है, ऊपर से ही आपका लूप स्टेटमेंट को क्या कर देता है, बाहर, और सीधा प्रोग्राम के लास्ट पे आ जाता है, और ये जो लूपिंग प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, ये स्किप। कब? जब आपकी पहली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। जैसी पहली कंडीशन अगर ट्रू है स्टेटमेंट मिलेगा, दूसरी ट्रू है स्टेटमेंट मिलेगा, तीसरी ट्रू है स्टेटमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये लूपिंग स्टेटमेंट में कंपाइलर एंटर ही नहीं करेगा, बाहरी से आपका प्रोग्राम क्या कर देगा, लूपिंग स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और यहीं से प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इसमें सिंटैक्स ट्रू होता है तो स्टेटमेंट फॉलो होगा, उसके बाद वैल्यू अपनी अपडेट होगी, अपडेट होने के बाद फिर से कंडीशन में जाएगी, फिर कंडीशन चेक ट्रू तो स्टेटमेंट, अदरवाइज फिर से वहीं से प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर हम इसका आपसे कहें कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है, तो इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसे बनता है, ठीक। इसके फ्लो चार्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करने के बाद हम यहां पे क्या लगाते हैं, इनिशियलाइज करने के बाद हम यहां पे अपना लगाते हैं कंडीशन स्टेटमेंट। क्या लगाते हैं? कंडीशन स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। और कंडीशन स्टेटमेंट जैसे ही हम लगाएंगे यहां पे तो हमें दो चीजें मिलेंगी, ठीक है, कि या तो प्रोग्राम में कंडीशन हमारी होगी क्या, ट्रू, और या कंडीशन होगी हमारी फॉल्स, ठीक है। तो ये रहा, अगर हमारी कंडीशन होती है क्या, फॉल्स, ठीक, अगर कंडीशन होती है अपनी क्या, फॉल्स, ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको जो है क्लोज कर देगा, ठीक। कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है, और कंडीशन अगर हमारी फॉल्स नहीं होती है तो ये स्टेटमेंट को क्या करता है, यहां फॉलो करता है, अभी इसकी चीज सारी चीजें लिखेंगे, ठीक, और इसके बाद फिर ये क्या करता है, ठीक, इसके बाद ये वैल्यू को अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक, कुछ ऐसा फ्लो चार्ट आपका बनेगा। तो इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद हमने क्या दी, कंडीशन दी, ठीक है बच्चों, समझना ध्यान से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज करने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, कंडीशन देने के बाद अगर हमारी कंडीशन होती है भैया ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप जो है, मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है, बॉडी ऑफ लूप होने का मतलब क्या है, जो हमारा स्टेटमेंट हमने बॉडी इसमें लूपिंग के अंदर लिखे हुए हैं व्हाइल लूप के अंदर, वो सारे स्टेटमेंट आपके फॉलो होंगे, और फॉलो होने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपडेशन कर देंगे, वैल्यू को अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद ये फिर से इसमें जाएगा, कंडीशन अगेन चेक करेगा, ट्रू तो फिर से अपडेट करेगा, फिर अब फिर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट फॉलो करेगा, फिर वैल्यू अपडेट, फिर कंडीशन चेक, फिर अगर ट्रू तो फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेट, फिर कंडीशन ट्रू तो फिर से स्टेटमेंट, फिर अपडेट होगी वैल्यू, इस टाइप से चलती जाएगी। एक कंडीशन हमारी ऐसी आएगी जब हमारी एक टाइम ऐसा आएगा जब वैल्यू अपडेट करने के बाद कंडीशन हमारी हो जाएगी क्या, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, या फिर इसका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के लूपिंग स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, लूपिंग को फिर परफॉर्म नहीं किया जाएगा, लूपिंग स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया आ गई बात समझ में हमें अपने। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट रहा। स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से खटक से स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर वीडियो समझ में आ रही हो, लूपिंग समझ में आ रही हो, क्या क्या कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दो, जिससे दूसरे लोग भी समझें, आपके दोस्तों का भी वह तो भला हो, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, भाइयों का, बहनों का, सबका ध्यान रखो, उनको भी वीडियो शेयर करो। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, ठीक है, और लाइक जरूर करना अगर आपको समझ में आ रहा हो। कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, दिक्कत ये होती है, आप लोग देख तो लेते हो वीडियो, उसके बाद कमेंट नहीं करते कि कैसा लगा आपको सेशन, कैसा लगा आपको आज की क्लास, ये भी बता दिया करो जरा, क्या दिक्कत होती है बताने में, हमें भी तो पता चले भाई बच्चों को समझ में आ रहा, तब तो हम और अच्छे अच्छे से बताएं आपको, है कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है, तो ये रहा आपका व्हाइल लूप का स्टेटमेंट, और ये रहा उसका वो सिंटैक्स, और ये रहा इसका फ्लो चार्ट। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा व्हाइल लूप को समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि हमें किसी एक नंबर का क्या लिखना है, टेबल लिखना है। ठीक है, हमें एक नंबर की टेबल लिखनी है, और उस टेबल को अपन को लिखना है किसका यूज करके, यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जाहिर सी बात हैडर फाइल्स लगाते हैं, तो हमने लिखा हेक्साइन इंक्लूड stdio.h, इसके बाद हेक्साइन इंक्लूड conio.h, इसके बाद मेन फंक्शन हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक, और उसके बाद आगे गए इंटीजर में, हमने एक नंबर ले लिया ए, ठीक है, इंटीजर में एक नंबर ले लिया ए, और नंबर लेने के बाद हमने यहां एक और ले लिया मल, ठीक, ओके, ठीक है, ए ले लो या बी ले लो मल की जगह पे अगर आप चाहो तो, ठीक है, मल मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नो दिक्कत नो दिक्कत, तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करना है, ए की वैल्यू को पता लगाना है, ए की वैल्यू है क्या, तो प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ या एंटर योर नंबर, जिस टेबल की आप जिस नंबर की आपको टेबल लिखनी है, वो उस नंबर को यहाँ पे क्या कर दें, एंटर कर दें। तो हमने बता दिया कि एंटर योर नंबर इज इक्वल टू, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और सेमी कॉलन, स्कैन एफ, ये नंबर जो आएगा वो नंबर कौन होगा, इंटीजर टाइप नंबर है, परसेंट डी, और एंड एड्रेस किसको करेगा, ये ए को करेगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने ले लिया आई इज इक्वल टू वन, ठीक, ये आई क्या है, आई अपन ने कोई भी नंबर मान लिया, जिसके रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद हमने, क्योंकि इनिशियलाइज करना पड़ता है ना वैल्यू को, तो इनिशियलाइजेशन कर दिया आई इक्वल टू वन, और व्हाइल में हमने कंडीशन लगाई आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखना। वाइल लूप को बंद की क्लोज ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने कहा आई इक्वल टू वन, बोले हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल, सॉरी, हाँ यहाँ हम लिख देंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए इंटू आई, जो ए नंबर हमने एंटर किया है, उस ए नंबर का आई से क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मल को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है, तो प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ में लिख देंगे कि परसेंट डी स्लैश एन मल, ठीक, मतलब मल को अपन ने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद वैल्यू को क्या करना है, अपन को अपडेट करना है, तो अपडेट करेंगे आई प्लस प्लस, ये कर दिया वैल्यू अपडेट, और आगे बढ़ गए, ये बंद हुआ, और इसके बाद यहाँ लगा दिया अपन ने गैच प्रोग्राम, लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ये बन गया आपका भैया प्रोग्राम। ठीक है, क्या लिखने का, किसी भी टेबल को लिखने का, किसी भी नंबर की एक टेबल लिखनी है, तो व्हाइल लूप का यूज करके हम उसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ये इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्लैश एन यूज ना करें, अभी इसको अपन क्या रख दें, थोड़ा साइड में रख दें, तो ये प्रोग्राम का आउटपुट आपको कुछ ऐसा देखेगा, कैसा देखिए, कुछ ऐसा आउटपुट देखेगा, ठीक है, क्या देखेगा, देखो भी ऐसा करते हैं कि ये आउटपुट लेने से पहले, इसका आउटपुट तो देखो आएगी जो आएगा, उससे पहले अपन एक छोटा सा प्रोग्राम और कर देते हैं, छोटी सी चीज और लिख देते हैं यहाँ पे, क्या, प्रिंट एफ
टेबल ऑफ ठीक टेबल ऑफ परसेंट डी एंड ए ठीक। चलो देखो क्या हुआ इससे, इससे होगा ये कि ऊपर आएगा यहाँ पे चला प्रोग्राम आगे बढ़ा, इंटीजर ए है बोले ठीक है प्रिंट ए एफ, प्रिंट एफ में जो भी लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो यहाँ लिखा आएगा, यहाँ लिख के आएगा क्या एंटर योर नंबर ठीक इक्वल। तो आप क्या करोगे, आप अपना कीबोर्ड उठाओगे, कीबोर्ड से क्या लिखोगे नंबर लिखोगे, हमने कहा पांच की टेबल लिखनी ठीक है, पांच लिखा एंटर दबाया, अगली लाइन में आएगा सीधा और क्या लिखेगा टेबल ऑफ फाइव ठीक, टेबल ऑफ और एंड ए है तो ए कितना है अपना फाइव, तो टेबल ऑफ फाइव। अगले आए यहाँ चेक किया आई जो है वन से छोटा है, बोले हाँ यहाँ आया, यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दिया आई का, आई कितना है वन, तो फाइव मल्टीप्लाई वन करेगा तो प्रिंट कर देगा वो फाइव ठीक। आगे आया आई प्लस प्लस हुआ, वन की वैल्यू हुई टू, फिर से ऊपर पहुंचा कंडीशन चेक किया टू दस से छोटा है, बोले हाँ तो ए मतलब फाइव, फाइव में वो टू का मल्टीप्लाई कर देगा टेन, फिर थ्री का, फिर फोर का ट्वेंटी, फाइव वन जा फाइव, टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव थर्टी, थर्टी फाइव फोर्टी, फोर्टी फाइव फिफ्टी ठीक। फिफ्टी तक जैसे ये प्रिंट करेगा, फिफ्टी तक प्रिंट करने के बाद जैसे टेन हो जाएगा आई की वैल्यू, तो टेन फाइव जा फिफ्टी, और यहाँ अपडेट हुआ इलेवन, इलेवन क्या छोटा है या बराबर है दस से, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन फॉल सीधे बाहर आ जाएंगे अपन प्रोग्राम से, प्रोग्राम खत्म ठीक। सर हमें अभी जो हमें आउटपुट दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, पांच दस पंद्रह कंटिन्यू नंबर लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्लैश टी लगा दो, स्लैश टी लगाने से क्या होगा, स्लैश टी लगाने से होगा कुछ नहीं, बस इतना होगा कि ये जो हमारा आउटपुट है ठीक है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो कैसा ये आउटपुट हो जाएगा कुछ ऐसा, 50, 45, थोड़ा स्पेस आ जाएगा बीच में, 40, 35, 30, 25, केवल सेलेस्टी लगाने से है ना, 25, 20 और ये हो गया 50 और ये हो गया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ठीक है। तो ये थोड़ा स्पेस में आ जाएगा, सर हमें ऐसे नहीं चाहिए था, सर आप क्या कर रहे हैं, सर हमें ऐसे आउटपुट चाहिए ही नहीं था, हमें जैसे आउटपुट चाहिए था वैसे ही आ ही नहीं रहा, हमें ऐसे चाहिए था पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस ठीक। तो कुछ नहीं करो, ये जो आपने स्लैश टी लगाया है इसको हटाओ, और ये जो स्लैश एन लगाता है इसको लगा दो इसकी जगह पे ठीक, जैसी स्लैश एन लगाओगे तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो कैसा हो जाएगा, देखो ये रहा 5 टू द 10 अगली लाइन, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45 और फिर 50 ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या आउटपुट ठीक है, हमारा आउटपुट ऐसा दिखने लगेगा ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक है। तो ये था आपका क्या व्हाइल लूप क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, फ्लोचार्ट उसका क्या होता है, और प्रोग्राम कैसे इसका बनाते हैं और एग्जीक्यूशन कैसे दिखाते हैं, पूरी चीजें हमने आपको बता दी, और इस प्रकार से व्हाइल लूप हो गया आपका खत्म। पांच नंबर का क्वेश्चन आता है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, इन तीनों में से दो लूप आपके जरूर आते हैं पांच नंबर में ठीक है, तो इन टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाएं ठीक है। आई थिंक कि आपको व्हाइल लूप समझ में आ गया होगा, अगर व्हाइल लूप समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और लोगों को और शेयर करें, जिससे वो भी क्लास को देख पाए, और जिसे समझ में नहीं आया है वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार फिर से देखो ठीक है। तब तक सभी को टाटा बाय बाय, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, और सभी को शुभ रात्रि।